एक मुझको तू कर नहीं जाता। मल्टी टैलेंटेड, आज की तारीख में एक सिंगर को मल्टी टैलेंटेड होना ज़रूरी है। सिर्फ गायकी ही नहीं, उसको बाकी सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं थोड़ी 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 सारी चीज़ें आनी भी, प्रैक्टिकली भी आनी ज़रूरी हैं। या वो हारमोनियम हो, या वो तबला हो, या वो गिटार हो, या फिर कॉम्पोजिशन हो, या शब्द लिखना हो, हर चीज़ उसको थोड़ी थोड़ी आनी बहुत ज़रूरी है। इस पर आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें ये करना ज़रूरी है, क्यों हमें मल्टी टैलेंटेड होना ज़रूरी है, और एक साधे सब सधे इसका क्या मतलब होता है, और क्योंकि मेरी बात एक साधे सब सधे के कॉन्ट्रडिक्ट्री है तो उसको कैसे बैलेंस करना है, उस पर आज हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और आप समझिए कि मल्टी टैलेंटेड होना आज की तारीख में कितना ज़रूरी है। कोमल गंधार, योर रियाज पार्टनर, एक बेहतरीन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आप घर बैठे रियाज कर सकते हैं और बेहतरीन संगीत सीख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धापा गा रे सा नि सा रे गा रे रे गा मा बा दा पधा सा नी पधा मा रे नी सा। फासले से ही सही, फासले से ही सही, मेरे साथ तो चल फासले से ही सही, मेरे साथ तो चल। एक ही है तेरी मेरी मंजिल, फासले से ही सही। पंडित अवध किशोर पांडे, मेरे पिता गुरु, उन्हीं की लिखी हुई, उन्हीं की बनाई हुई एक यह गज़ल कि फासले से ही सही मेरे साथ तो चल, एक ही है तेरी मेरी मंजिल। आप सुनिएगा, YouTube पर मैंने गाई हुई लगभग शायद साल दो साल पहले की रिकॉर्डिंग है, ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन, बड़े ही अच्छे शब्द हैं। तो जैसे कि ये जो गज़ल है ये मेरे पिताजी ने ही लिखी है, उन्होंने ही ये बनाई है, इसकी धुन भी उन्होंने ही बनाई है, इसी ही तरह से आज की तारीख में मल्टी टैलेंटेड होने की बहुत ज़रूरत है। आप ये देख रहे हैं कि संगीत के फील्ड में धीरे धीरे बहुत लोग आते जा रहे हैं। पहले की तारीख में क्योंकि पैशन फॉलो करने का उतना क्या बोलते हैं, एक चलन नहीं था, एक ट्रेंड नहीं था, पर आज की तारीख में हर कोई पैशन फॉलो कर रहा है। और क्योंकि आर्ट जो है वो सबके अंदर बसा हुआ है, सब चाहते हैं उसको करना, लेकिन उसको परस्यू नहीं कर सकते, एज अ प्रोफेशन उसे परस्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता है लोगों को, इन जनरल का जो थिंकिंग है वो ये है क्योंकि इसमें इतनी वो नहीं है, यू नो, स्कोप नहीं है, इतनी कमाई नहीं है, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं, स्टेबल इनकम नहीं है, तो कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसको परस्यू नहीं करते हैं, एज अ यू नो शौकियाना इसको कर लेते हैं लेकिन उसमें पूरा टाइम नहीं देते हैं। लेकिन आज जो चलन है, आज की जो जनरेशन है वो पैशन फॉलो कर रही है, वो एक्चुअली में जो चाहती है उसको फॉलो कर रही है, ट्रेंड बन चुका है, एक जनरेशन की थिंकिंग जो है अपग्रेड हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा ज़्यादा लोग जो हैं इस फील्ड में आते जा रहे हैं, है ना। इस फील्ड में थे पहले भी लेकिन अब प्रोफेशनली उतर रहे हैं और कमाना शुरू कर रहे हैं। तो जाहिर बात है जहाँ भीड़ होगी, जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहाँ कंपटीशन भी बढ़ेगा, और अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि आप उस कंपटीशन में आगे बढ़ सकें, जीत सकें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आप में स्किल्स होना ज़रूरी है, आप में मल्टी टैलेंट होना ज़रूरी है। आप सिर्फ एक सिंगर हैं, सैकड़ों सिंगर पड़े हैं, आप सिर्फ एक लिरिसिस्ट हैं, सैकड़ों लिरिसिस्ट पड़े हैं, सिर्फ एक कंपोज़र हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, सैकड़ों पड़े हैं। इसीलिए क्या होता है, आपको अंदर ये सारी स्किल्स डेवलप करना ज़रूरी है। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि इनसे आपको चांस ज़्यादा मिलेगा, नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं, आप में क्वालिटी भी बढ़ती है इससे, और सेंस बढ़ता है। आपको अगर शब्द लिखना आता है तो आपको शब्दों की समझ है,
तो आप दूसरों के लिरिक्स को भी अच्छे से समझ के उनकी धुन जो है गा भी अच्छे से सकेंगे। आपको अगर धुन बनाना आता है तो दूसरों की धुनों को समझना भी आपके लिए आसान होगा, उनकी बारीकियां नोट करना भी आपके लिए आसान होगा, उस सोच तक, उस फिलॉसफी तक समझना भी आपके लिए आसान होगा, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे पिताजी ने भी मुझे हमेशा से यही सलाह दी, यही नसीहत दी, यही सीख दी कि मल्टी टैलेंटेड बनो। मानता हूँ कि एक साधे सब सधे, है ना, और सब साधे सब जाए, ये कहावत है कि एक ही चीज़ को साधना चाहिए तो उससे सारी चीज़ें सध जाती हैं, और अगर आप सारी चीज़ों को साधने जाओगे, सबके पीछे भागोगे, तो सब कुछ चला जाता है, कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ में आप महारत हासिल कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गायकी के साथ साथ आप हारमोनियम वादक भी उतने ही अच्छे हों, तबला वादक भी उतने ही अच्छे हों, गिटार भी उतना ही अच्छा बजा लेते हों, कीबोर्ड भी उतना ही अच्छा बजा लेते हों, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं। महारत तो एक ही में होगी, है ना, आपको फुल फोकस तो एक ही चीज़ में करना है, लेकिन नॉलेज जो है हर चीज़ का होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो ये समझ लीजिए आप, आपका वो जो गायकी है वो अधूरी है, वो वेस्ट है, क्योंकि जब आप गा रहे हैं तो साथ में हारमोनियम संगत होगी, तबला संगत होगी, अगर उसकी नॉलेज आपको नहीं है तो कैसे ही समझोगे कि क्या बज रहा है, कैसे ही वो केमिस्ट्री डेवलप कर पाओगे, है ना, कैसे ही उसमें उपज जो है वो डेवलप कर पाओगे, कैसे ही उसमें यूनिकनेस डेवलप कर पाओगे, क्योंकि गायकी आप ही की तरह बहुत लोगों को आती है, लेकिन आप ही की तरह हारमोनियम की नॉलेज और तबले की नॉलेज और इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज, कंपोजिशन की नॉलेज, शब्दों की नॉलेज, ऐसा मल्टी टैलेंटेड हर कोई नहीं होता है। इसीलिए यही सलाह उन्होंने मुझे दी, यही सलाह मैं आपको दे रहा हूं कि हर फील्ड में अपना दखल रखिए, है ना, आपको नॉलेज होना चाहिए, शब्दों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, जिसको कहते हैं वोकैबुलरी, वो अच्छी होनी चाहिए, वर्ड्स की नॉलेज रखिए क्योंकि वर्ड्स इस्तेमाल होंगे गायकी में, कंपोजिशन की नॉलेज रखिए, और जाहिर बात है क्योंकि मैंने बोला मल्टी टैलेंटेड रहोगे तो ज़्यादा लोगों के काम आओगे। अब एक इंसान को अगर कोई गीत बनाना है, आपको एज अ सिंगर उसने अपॉइंट कर लिया, अब उसे लिरिसिस्ट अलग से अपॉइंट करना पड़ेगा, उसे कंपोजर अलग से अपॉइंट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए यही तीनों क्वालिटी उसे अगर किसी और व्यक्ति में मिल गई तो तीन लोगों की जॉब जो है वो अकेला आदमी कर सकता है, तो कोई भी उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, है ना। और अगर आप इसमें प्रोफेशनली उतरना चाहते हैं तो जाहिर बात है आपका, जिसको कहते हैं पेमेंट, है ना, आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि आप तीन काम एक साथ कर लेते हैं। अब बात वही है कि अगर आप इन तीनों को अच्छे से करेंगे तो बेहतर है, आपका पेमेंट भी बढ़िया होगा, आपकी क्वालिटी भी बढ़ी, आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए इन सब में दखल थोड़ा रखना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये तीनों चीज़ें एकदम से आ जाएंगी या आप जैसे ही इनमें हाथ लगाओगे, इसमें उतरोगे, विषय में आप पारंगत हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संगीत जो है बड़ा ही नेचुरल विषय है, ये बनाने से नहीं आता है, ये ऑलरेडी अंदर होता है। जैसा कि मेरे फादर कहते हैं और हमको यही सिखाया गया है कि एक गायक जो है बनता नहीं है, वो पैदा होता है, संगीतकार इज बॉर्न, है ना, वो जन्म लेता है, उसके अंदर ही होता है कि वो बना सके। जैसे कंपोजर, धुन बनाना, ये आप सीख नहीं सकते, है ना, गायकी फिर भी आप सीख सकते हैं, धुन बनाने की बारीकियां जान सकते हैं, लेकिन टेक्निकल चीज़ नहीं है, टेक्निकलिटीज़ तो आप जान सकते हैं, लेकिन रस कहाँ से लाओगे, भाव कहाँ से लाओगे, वो पैदा होता है, वो आप सुनते हो, वो अपने आप जन्म लेती है चीज़ें। पर हाँ, कोशिश जाहिर बात है आपको करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता, प्रयास कीजिए, आप चीज़ें सीख भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रयासों से वो बात नहीं आती है जो नेचुरल चीज़ होती है, है ना। जैसे कि मेरे फादर जो थे, उन्होंने लिखना सबसे पहले सीखा, उनके अंदर लिखावट यानी राइटिंग की जो स्किल है वो पहले डेवलप हुई, उसके बाद धुनें बनने लग गई अपने आप, बिना सीखे वो एक कंपोजर थे, थोड़ी मोड़ी टूटी फूटी बनाते थे पर अपने आप धुन बनाते थे। और आज आप में से बहुत लोग होंगे जो धुन बना लेते हैं, थोड़ी मोड़ी टूटी फूटी इधर से उधर से थोड़ा तोड़ जोड़ के आप धुन बना लेते हैं, बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसमें टेक्निकलिटी सुधारने की ज़रूरत है, तो आप एक अच्छे कंपोजर बन सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं, मल्टी टैलेंटेड होने का ट्राई करना पड़ता है। जैसे मैं लिखना कैसे सीखा, मैंने थोड़ी बहुत लिखना अगर सीखा है तो वो पढ़ने से सीखा है। जैसे कि एक बहुत अच्छा कोट कहूँ या शेर कहूँ, जो भी आप उसे मान लीजिए, दो लाइन, मनोज मुंतशिर एक राइटर हैं, एक लिरिसिस्ट हैं, बॉलीवुड राइटर हैं, तो उनके इंटरव्यू में मैंने सुनी थी, वो उनकी है किनकी है वो नहीं पता, पर बात अच्छी है कि उन्होंने कहा कि पढ़ना भरना है और लिखना छलकना है, बिना भरे आप छलक नहीं सकते, तो अपने आप को भरने के लिए आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जब तक आप 2000 शेर मुँह ज़बानी याद नहीं कर लेते, तब तक आपको अपना पहला शेर लिखने का हक नहीं है कोई, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बोली उन्होंने। तो नॉलेज इकट्ठी करने के लिए सुनना, पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धुन बनानी है, धुनों को सुनो, है ना। एक जावेद साहब की एक छोटी सी बात बोल के मैं एंड करूंगा इस वीडियो को, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ पूरे टॉपिक में हर बात को, पर एक बहुत अच्छी बात उनके इंटरव्यू में मैंने सुनी। उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी से पूछा, जब उन्होंने धीरे धीरे बॉलीवुड में लिखना शुरू किया, गाने तो वो लिखते ही थे, उन्होंने बोला मैं स्क्रीन प्ले भी लिखता हूँ, है ना, स्क्रीन प्ले मूवीज़ का जो जिसको कहते हैं वो लिखना शुरू किया। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट राइटर से बात करी, स्क्रीन प्ले राइटर जो हैं उनसे बात करी कि आप कोई किताब बता दीजिए या कुछ मुझे सजेशन दीजिए कि मैं कैसे लिखूँ, है ना, इसके कुछ बारीकियाँ हो। तो उन्होंने
उनके जिनसे उन्होंने पूछा, उन्होंने उनको जवाब दिया कि जब तुमने अपनी पहली कविता लिखी थी तब क्या तुमने कोई किताब पढ़ी थी जिसमें कि बताया गया हो कि कविता कैसे लिखते हैं? जब तुमने अपना पहला गाना लिखा था या अपनी कोई पहली गज़ल लिखी, पहले कोई नज़्म लिखी, तो कैसे लिखी? तो बोले कि हाँ, कोई किताब तो नहीं पढ़ी, पर हाँ गज़लें पढ़ी हुई थी, कविताएँ पढ़ी हुई थी, तो बस वही उसी अंदाज़ पर मैंने लिख दी। तो बोले सीधी सी बात है, तो स्क्रीन प्ले इसको पढ़ो, अपने आप स्क्रीन प्ले लिखना आ जाएगा। तो यही बात है, अगर कोई गीत बनाना है, कोई लिखना है, कुछ धुन बनानी है, तो उसकी कोई किताब नहीं आती है। आप एग्जाम्पल्स को देखिए, अपने आप वो धीरे धीरे चीज़ उतर जाएगी अंदर। उसके बाद किसी एक्सपर्ट की असिस्टेंस में काम कीजिए, आपको उसकी बारीकियाँ भी पता चल जाएंगी। तो कुल मिला के मल्टी टैलेंटेड होना ज़रूरी है, एज अ सिंगर भी, एज अ कंपोजर भी, एज अ यू नो लिरिसिस्ट भी। आप बोलो, कोई अगर डिमांड करता है कि मुझे शब्दकार चाहिए, हाँ मैं लिखता हूँ। और शब्दकार ये है कि मैं सिर्फ गीत लिखता हूँ, नहीं, मैं भजन भी लिख लेता हूँ, मैं गज़ल भी लिख लेता हूँ, आप बोलिए मैं कहानी भी लिख दूँ आपके लिए, मैं डायलॉग्स भी लिख सकता हूँ। तो वो मल्टी टैलेंटेड जब होगे, ज़्यादा लोगों के काम आओगे, तो फिर जाहिर बात है आपको प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। कोई भी उन चार लोगों से पहले आपका नाम लेगा, क्योंकि यार ये सब काम कर लेता है, है ना। क्यों, मेरे पिताजी वो गा भी लेते थे, और वो कंपोज़र हैं, वो राइटर हैं, वो लिरिसिस्ट हैं, वो कहानी भी लिख सकते हैं। आप बोलिए उनको, वो नज़्म, गीत, गज़ल, भजन, कोई भी टॉपिक दीजिए, हर टॉपिक पे वो गाना लिख सकते हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड अगर आप होंगे तो जाहिर बात है आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, सुनिए, पढ़िए, लिखिए, सब कीजिए, नॉलेज इकट्ठी कीजिए और मल्टी टैलेंटेड बढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, सब्सक्राइब करें, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को करें। कुछ ना कुछ नया हम लोग वहाँ भी लाते हैं, नया यहाँ भी लाते हैं, उपज है, क्रिएटिविटी है, यूनिकनेस है, संगीत में विकास करने की कुछ एक छोटी सी कोशिश है, ठीक है। देखते रहिए, शुक्रिया।